निकाय चुनाव में कांग्रेस देगी अपने नेताओं को 27% आरक्षण। आरक्षण देते हुए टिकट देंगे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने घोषणा की है। कमलनाथ ने कहा, हमें बीजेपी सरकार से नहीं है कोई भी उम्मीद। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से, कांग्रेस की तरफ से एक बड़ा बयान। निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी को देने की बात पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का एक बड़ा बयान, भोपाल से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी को दिए जाने की बात कमलनाथ कर रहे हैं। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बड़ा बयान। 27% आरक्षण टिकट देने को लेकर उन्होंने बयान दिया है। निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को दिए जाने की घोषणा कमलनाथ के द्वारा। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर मध्य प्रदेश में घमासान मचा हुआ है। कोर्ट के फैसले के बाद एक बार फिर से कई सारे सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने विदेश दौरा भी रद्द कर दिया है और दूसरी तरफ पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को दी जाएंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बड़ा ऐलान। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का ऐलान, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल से हमारे सहयोगी दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। दिनेश, कमलनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है ओबीसी आरक्षण को लेकर। उनका कहना है कि 27% टिकट अब ओबीसी को दी जाएंगी कांग्रेस पार्टी की तरफ से। एक बड़ा फैसला हो सकता है ये मध्य प्रदेश की सियासत में। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बड़ा ऐलान। और वापस हमारे साथ वरिष्ठ संवाददाता दिनेश शुक्ल जुड़ चुके हैं। दिनेश, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का एक बड़ा ऐलान इन दिनों ज्यादा आ रहा है, जहां पर एक तरफ मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत गर्माती जा रही है, तो दूसरी तरफ कमलनाथ ने ऐलान किया है कि निकाय चुनाव में 27% टिकट ओबीसी वर्ग को दी जाएंगी। जी बिल्कुल, आगामी नगरीय निकाय जो चुनाव मध्य प्रदेश में होने हैं उसको लेकर कमलनाथ ने सीधे तौर पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी तो कुछ करने वाली नहीं है पिछड़ा वर्ग के लिए। वहीं उन्होंने कहा कि हम अपनी पार्टी में जरूर 27% आरक्षण देंगे अपने नेताओं को और 27% टिकट ओबीसी वर्ग को दिए जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर ये संदेश देने की कोशिश की है कि उन्होंने उनकी सरकार में जो 27% आरक्षण उन्होंने लागू किया था पिछड़े वर्ग के लिए, उसे वो नगरी निकाय चुनाव में भी लागू करेंगे। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पार्टी आधार पर नहीं होते, इसलिए उस चुनाव में तो कांग्रेस ये आधार बनाकर 27% आरक्षण लागू नहीं करेगी, लेकिन नगरी निकाय चुनाव में जरूर 27% पिछड़ों को टिकट दिए जाएंगे। जी दिनेश, इसके अलावा दूसरी तरफ अगर देखें तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपना विदेश का दौरा रद्द कर दिया है, और यहाँ पर कमलनाथ का एक बड़ा ऐलान सामने आ रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर। तो मध्य प्रदेश की सियासत के समीकरण क्या कहते हैं इस पर? ये देखिए, ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार मामला फंसा हुआ है। दोनों ही पार्टी अपने अपने स्तर पर इस मामले को अपने पक्ष में करना चाहती हैं। मध्य प्रदेश में एक अमूमन जो आबादी मानी जाती है पिछड़ा वर्ग की, वो 56% है। वहीं जब मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग, जो कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बनाया था, उसने जो अपना रिपोर्ट पीस की उसमें 48% उस आबादी को बताया, और उन्होंने वोटरों के आधार पर, मतदाताओं के आधार पर ये बताया, जिसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो कल फैसला आया उसके बाद से लगातार कांग्रेस उस पर हमलावर बनी हुई है। वहीं एक अहम जो यात्रा थी, विदेश यात्रा पर जा रहे थे उद्योग मामलों को लेकर मुख्यमंत्री, उन्होंने इसी पूरे मामले को देखते हुए अपना जो विदेश दौरा है वो रद्द किया है, और इस मामले पर पूरी नजर बनाए हुए हैं। लगातार मीटिंगों का दौर जारी है, और मैं आपको इसे अभी कमलनाथ के बयान के बाद मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा, उनका भी बयान आया है। उन्होंने भी अपने पार्टी में
27% टिकट देने का वादा जो है नेताओं को किया है कि नगरीय निकाय चुनाव होंगे उसमें 27% जो है वो आरक्षण दिया जाएगा, टिकट दिया जाएगा। कुल मिलाकर मामला जो है ओबीसी के चारों इर्द गिर्द झूम रहा है, क्योंकि बड़ी आबादी है, बड़ा वोटर है प्रदेश में और उसको अपने पक्ष करने में दोनों पार्टियां लगी हुई हैं। जी तो दिनेश, इसके अलावा जो आप बता रहे हैं कि 27% आरक्षण की बात बीजेपी की तरफ से भी की गई, तो ये 27 बनाम 27 का जो समीकरण बन रहा है, तो क्या दोनों ही पार्टियां आमने सामने आने के बाद इन पर किसी भी तरीके का अलग प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि सत्ता में बीजेपी है और विपक्ष में कांग्रेस बनी हुई है, तो दोनों ही पार्टियों पर इन पंचायत चुनाव का अलग तरीके से असर देखने को मिलेगा? ये देखिए, जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं वो ग्रामीण स्तर पर होते हैं और जिला पंचायत के होते हैं और उनमें पार्टी जो है पार्टी के सिंबल पर ये चुनाव नहीं लड़े जाते, तो उसमें जो पूरा मामला है ये नगरीय निकाय चुनाव पर आकर अटक गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल गाइडलाइन दे दी है, उन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है वो बिना ओबीसी आरक्षण के होंगे, यानी कोई भी जो ओबीसी को आरक्षित सीटें होनी थी वो अब सामान्य सीटें हो गई हैं, उस पर सामान्य जो है कैंडिडेट। ठीक है, दिनेश बने रहिए हमारे साथ, दर्शकों को सुनवाते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। हमें बीजेपी सरकार से कोई उम्मीद नहीं है, उन्होंने 2 साल कोई प्रयास नहीं किया, कोई कानून नहीं लाए। संविधान में संशोधन हो सकता था कि पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिले, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि आने वाले निकाय चुनाव में हम 27% टिकटें पिछड़े वर्ग को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश तमाम जानकारियों के लिए। तो ये थे पूर्व मुख्यमंत्री